श्रीनगर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में यौम पाकिस्तान से कबल पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के लिए मुबारकबाद के पैगाम वाले पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें कायद आजम मोहम्मद अली जना, अलामा मोहम्मद इकबाल, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट की तस्वीर लगी है। पोस्टर्स पर एक कौम, एक नारा और एक मंजिल के नारे दर्ज है। यौम पाकिस्तान 23 मार्च बुध को मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर शाख के रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, महमूद अहमद सागर और अल्ताफ हुसैन वानी ने अपने बयानात में कल से इस्लामाबाद में मुनाकिद होने वाले OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम किया है। उन्होंने OIC पर जोर दिया है कि वह भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया है कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा इलाके में बेरोजगारी और नौजवानों की मायूसी में इजाफे के सिवा क्या तब्दीली आई है। जम्मू में पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की बका खतरे में है। तहम उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व पार्टी कश्मीर में कामयाब नहीं होगी जहाँ उसके साथ मुठ्ठी भर जर खरीद एजेंटों के सिवा कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी की क्यादत में BJP भारत को मजहबी बुनियादों पर एक और तकसीम की तरफ धकेल रही है। हल्का बंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ पंचायती इदारों के मुंतखब अरकान और सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने जम्मू में एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। 18 सरपंचों और 100 से जायद पंचों की क्यादत में लोगों की एक बड़ी तादाद ने नए पुल अखनूर के मकाम पर जमा होकर जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हल्का बंदी कमीशन के जरिए मुस्तकबिल के इंतखाबी नतायज में धांधली के मोदी हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी की। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में भारतीय मुसलमानों की मुमकिन नस्लकशी और आलमी इस्लामोफोबिया के उनवान से मुनक़द एक तकरीब में इंसानी हकूक के सरकर्दा कारकुनों और माहिरीन तालीम ने एक बार फिर हिंदुत्व क़ुव्वतों के जरिए भारतीय मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम के खतरे पर तश्वीश का इजहार किया है। तकरीब की मेजबानी सैन डिएगो कोलिशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने की, जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, ज्यूइश वॉइस फॉर पीस, पिलर्स ऑफ कम्युनिटी सैन डिएगो, मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी और मुस्लिम लीडरशिप काउंसिल ऑफ सैन डिएगो पर मुश्तमिल है। शोरी ज्यादा भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओनवाज बागियों के एक हमले में 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। यह हमला आज सुबह रियासत के जिला सकमा में एलमा गंडा कैंप के करीब CRPF के एक दस्ते पर किया गया।